कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। आपका स्वागत करते हैं किसान की बात कार्यक्रम में। जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी पारंपरिक विधियां थी, चाहे वो खेती किसानी की हो, जल संरक्षण की हो या किसी भी विषय में, तो हम सोचते क्या था ये परंपरा, ये सब चीजें बेकार दकियानुसी हैं। शायद हम सोचते ही नहीं है कि उसमें भी कोई वैज्ञानिक तथ्य हो सकता है। बिल्कुल, वो भी बड़ी सोच समझ के परंपरा बनी थी। और किसी ने खूब कहा है कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, बहुत कुछ है जो उसमें जीवित है और आगे बढ़ने लायक है। जी हाँ नीलम, आपने सही कहा। और जो उसमें जीवित है, जिसे जीवांत रखे हुए हैं, आज यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति से यदि हम प्रकृति को आज की कृषि में अप्लाई करते हैं, तो देश के वैज्ञानिकों ने उसको इतना सरल किया है, इतना आसान किया है और आकाशवाणी के माध्यम से यह तौर तरीके गांवों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, जो प्रकृति ने हमें दिया, और एक बार क्या था, आदरणीय बापू ने कहा था कि जो हमारी खेती है, किसानी है, वो हमारी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर सकती है, मगर हमारे लालच को नहीं। मगर हमने क्या किया, लालच, अंधाधुंध अपनी जरूरतों को, चाहिए, हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और उसके चक्कर में हमने अपनी भूमि को भी खराब किया, पर्यावरण को भी खराब किया, बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाया। और जो हमारे लिए, तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ी को अगर हम बचाना चाहते हैं और उनके लिए कुछ जोड़ के रखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम फिर प्रकृति की ओर मुड़े। जी हाँ, और आज का हमारे कार्यक्रम किसान की बात का विषय भी यही है, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां। जी बिल्कुल, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और बड़े अहम मुद्दे भी हैं। आज हम सब जानते हैं कि जो पूरा हमारा भारत का क्षेत्रफल है, वो पूरे विश्व के लगभग 2.5% है, और जनसंख्या कितनी है, 17%, पशुधन है 18%, कितना पानी चाहिए, और पानी मात्र है 4%, और उसमें से भी सबसे ज्यादा पानी हम सब जानते हैं खेती पर ये जो उपयोग होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों के महत्व को समझें और उसे, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हमें समझाते हैं, पूरे दिल से उसे माने, समझें और अपनाएं। इसीलिए आज हमने कार्यक्रम किसान की बात में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिवाधार मिश्रा को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। जी हाँ, आज हमसे जानेंगे कि प्राकृतिक खेती है क्या, क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। हमारा पहला प्रश्न ही आपसे यही है कि क्या है प्राकृतिक खेती। धन्यवाद मैडम, और मेरा नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जी, जो प्राकृतिक खेती की जहां तक बात है, प्राकृतिक शब्द ही ऐसा है कि हम प्रकृति की तरफ चलें। अभी तक हम जब हमारी स्वतंत्रता के बाद हमने जब होश संभाला, जब हमारी
सत्ता की बागडोर हमारे अपने लोगों के हाथ में आई। उसके बाद ये सोचा गया कि हमारी पूरी जनता भुखमरी का शिकार है, हम खाना नहीं अपने भोजन के लिए कर पाते हैं। उस समय बाहर से विदेशों से हमारे यहाँ गेहूं आता था, खाने के सामान आते थे और बड़ी हिकारत से हमको दिया जाता था। जो हिकारत से दिया जाता था उसमें जैसे गेहूं कोई ले लिए, गेहूं के साथ हजारों खरपतवार हमारे साथ आ गए जो कि अभी तक हमें हमारे लिए एक समस्या बने हुए हैं जी। और वो भी बड़े एहसान से हमें मिलता था। आज हमारे अथक प्रयासों से सारा का सारा रूप ही बदल गया है। अगर देखा जाए तो पूरा पासा पलट गया है और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कई देशों को हम खिला सकते हैं खाना। हुआ कैसे? हुआ ये कि उस समय जरूरत थी और हम बहुत ही वैज्ञानिक विधि से खेती नहीं करते थे। और अगर देखा जाए चूंकि उसमें जो लालच था विदेशियों का, उन्होंने हमारा जो पारंपरिक कृषि थी उसको बिल्कुल उजाड़ दिया था। उस समय मांग ये थी कि हम किसी न किसी तरीके से उस उजड़ी हुई कृषि व्यवस्था को सुधारें और उस समय हरित क्रांति के लिए प्रयास हुए। हरित क्रांति आई बहुत अच्छा हुआ जी। उस समय हमारा कम से कम पेट भरा, हम जो दूसरों पर निर्भर थे वो नहीं रहे। लेकिन वो हरित क्रांति जब आई उसके बाद वो अपने साथ में बहुत सारी समस्याएं भी लाई जी। एक समस्या का मैंने अभी शुरू में ही जिसका बताया था आपको कि जैसे खरपतवार, देखिए नए नए तरीके के खरपतवार हमारे यहाँ आ गए जिनको नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। साथ साथ हमारा जल संसाधन, हमारे भूमि संसाधन, हमारा वायु संसाधन, हमारा जितने भी वातावरण है सारा का सारा ज्यादा पैदा करने के चक्कर में सारा का सारा प्रदूषित होता गया। और आज हम इस कगार पे पहुंचे हैं कि जैसे हमारा जो बहुत ज्यादा उत्पादकता वाला राज्य है पंजाब, और पंजाब में हम जो हरित क्रांति की विधियों को पूरा अपनाकर ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करते हैं, आज ये स्थिति हो रही है कि कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत सारा ये केमिकल यूज कर रहे हैं, बहुत सारे रसायन प्रयोग कर रहे हैं कीड़े मकोड़े बीमारियों के लिए। उन रसायनों का प्रभाव इतना हो रहा है कि आप सुनेंगे एक कैंसर एक्सप्रेस चलती है बीकानेर के लिए जाती जी। है इतना ज्यादा कैंसर, इतनी ज्यादा अन्य बीमारियां हुई। वो हुई इसलिए कि इस अंधाधुंध की दौड़ में हमें यही भूल गए कि हमने अपनी जमीन का सब पानी खत्म कर दिया है, जो भी हमारे पानी के स्रोत थे उनको प्रदूषित कर दिया है। क्यों खाद डालेंगे? खाद बरसात होगी वो पूरी तो प्रयोग कर नहीं पाएंगे हमारे पौधे, और वो सीधा पानी में जाके पानी को प्रदूषित कर देगी। फिर वो पानी ना पीने लायक रहता है और उससे कई तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं। झीलें थी हमारी, बहुत बढ़िया तालाब हुआ करते थे हर गांव के पास, साफ सुथरे तालाब होते थे जो कि हर तरीके से पानी की पूर्ति करते थे। पीने का भी पानी होता था, हमारे जानवरों के लिए भी होता था, नहाने धोने के लिए भी प्रयोग करते थे बहुत से इलाकों में। वो धीरे धीरे इतने प्रदूषित हो गए कि आज उनका पानी हाथ में नहीं ले सकते आप, लगता है कोई बीमारी ना हो जाए। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम कई तरीके के प्रदूषित चीजों को उसमें घुसाते गए, डालते गए, और जब प्रदूषित चीजें पानी में गई तो उसमें कई तरीके की वनस्पतियां पैदा हुई तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है पानी में उसको खत्म किया, उससे जो जलीय जीव थे जो उस वनस्पति को खाते थे वो ही खत्म हो गए, वो भी नहीं। तो अब जो भी है अनिच्छिक चीजें जो है, जिस जो हमारी इच्छा का नहीं है वो तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी इच्छा से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यानी कि जो हमारी प्राकृतिक श्रृंखला थी उसको हमने खुद ही हानि पहुंचाई है। मगर डॉक्टर साहब ये बात हम अफसोस भी करें, दुख भी मनाएं, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें सतत विकास चाहिए। हम चाहते हैं अच्छा उत्पादन भी हो, भरपूर भी हो, गुणवत्तापरक भी हो, और साथ में हमारी भूमि का, पर्यावरण का स्वास्थ्य भी बना रहे। तो उसके लिए क्या जरूरी कदम हमें उठाने हैं और हम उठा रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे ये हरित क्रांति के जो दुष्प्रभाव हमें नजर आने लगे तो हमारे वैज्ञानिकों ने कोशिश करनी शुरू की। पहले ये हुआ कि इसकी जगह हम ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें जी। और जैविक खेती हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने शुरू की, एक बड़े पैमाने पर हो भी रही है जी। उस जैविक खेती में भी ये देखा गया कि हमारे बहुत सारे किसान बाहर के इनपुट पे, उन्हें बाजार से बहुत सी चीजें खरीदनी पड़ती क्योंकि सब चीजें अपने घर पे तो बना नहीं सकते। अब कोई बीमारी आ गई तो पता चला कोई फैक्ट्री नीम का ऑयल बना रही है तो नीम का तेल लेने के लिए हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बिचौलिए बीज के थे, जो और लोग थे बिजनेसमैन, उन्होंने किसानों का फायदा उठाना शुरू कर दिया, भरमाया। दूसरे ये हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी अभी भी हैं जो कि हमारे किसान भाई अपने खेत पे पैदा नहीं कर सकते जिनकी की जैविक खेती में जरूरत होती है। जब दूसरों पे निर्भरता रहेगी तो कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही वाली बात, तो पराधीन हमारे किसान तब भी महसूस किया। अब
जो नया अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अब जो नया जो आया है कंसेप्ट, क्यों ना हम अपनी पूरी परंपरागत खेती की तरफ बढ़े। और इसमें बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक, बहुत सारे समाज से भी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी इसको कुछ लोग एडॉप्ट कर चुके हैं, कुछ लोग अपना चुके हैं, कुछ लोग अपनाने के मूड में हैं कि किस तरीके से इसको अपनाया जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि इसके तीन सिद्धांत हैं पारंपरिक खेती के। एक तो हम अपने खेत का ही सब कुछ प्रयोग करेंगे, अपने फार्म पे जो पैदा हो रहा है वो प्रयोग करेंगे, बाहर से कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरे, जो भी खरपतवार और सब निकलता है, जो भी फसल अवशेष निकलते हैं, उनकी हम पलवार लगाएंगे, मल्च करेंगे, उससे हमारी पानी की जो बाष्पीकरण होता है वो रुकेगा, और साथ साथ जब वो गलेंगे सड़ेंगे जो सारे खरपतवार और जो भी हमारा फसल अवशेष है, तो वो खाद में बदलेगा, वो खाद में बदलेगा, सारे पोषक तत्व तो पौधों को देंगे। तीसरा ये है कि हम इसमें सबसे ज्यादा दलहनी फसलों का समावेश करने की बात करते हैं। दलहनी फसलें खुद ही अपने में, इनकी अंतर्वर्ती खेती की हमें सिफारिश की जाती है, जो कि एक सिद्धांत भी है इसका। तो उसमें क्या है कि हम जो फसलें हैं, जो दलहनी फसलें, उनकी खास बात यह कि प्रकृति से ही नाइट्रोजन लेकर और हमारे अन्य पौधों को देती है। तो ये तो फैक्ट्री है, चलती फिरती फैक्ट्री हमारी, जो किसान के पास खुद ही है नाइट्रोजन की, तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। और जो सबसे मुख्य बात जहां से शुरू हुई है कि हमारे किसान भाई जानवर रखना भूल गए हैं, जब से ट्रैक्टर आया है तब से उन्होंने बिल्कुल ही गाय भैंस जो भी पालते थे उससे तिलांजलि दे दी है, यानी कि जबकि पशु और कृषि हमेशा साथ साथ रहे हैं। तो अब कृषि में जब जानवरों का समावेश नहीं है तो बहुत बड़ा वो गैप पैदा हो गया है। अब उसमें भी जो जानवर हम लोगों ने पाले वो बहुत ज्यादा, हमें बहुत दूध चाहिए तुरंत, क्योंकि बाजार की पूर्ति करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, तो हमने होल्स्टीन फ्रिजन और ये बाहर की जितनी ब्रीड थी वो मंगा ली, जो कि हमारे यहाँ ना तो हमारे आबोहवा के हिसाब से बिल्कुल ही उत्तम नहीं थी। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी अपनी नस्लें हैं, जो देसी नस्लें हैं, जो हमारे अपने बीज हैं, जो लोकल हैं, जो हाइब्रिड नहीं है, उन सबको हम देसी गाय को अपना के और इस सबको हम प्रकृति की तरफ अपनी खेती को ले जा सकते हैं। देसी गाय इसमें एक बहुत बड़ा स्तंभ है, जो ये हालात बदल रहे हैं, जो तापमान बढ़ रहा है उसको वो सह सकने में समर्थ है। बिल्कुल जी, ये गाय तो है ही है, देसी नस्लें तो ही है इसके लिए सह सकते। जो हम देसी बीज प्रयोग करते हैं वो भी हमारे आबोहवा के हिसाब से, हमारी जलवायु के हिसाब से ही तो हैं, क्योंकि यहीं पे विकसित हुए हैं। तो अगर उन्हीं को हम लगातार लें तो इनका छोटा मोटा जो असर होता है कि सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा पानी बरस गया, उस सबको बर्दाश्त करने वाली हमारे पास फसलें हैं, हमारे पास वैरायटी हैं, प्रजातियां हैं पुरानी, तो हमारा प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। बात है कि हम चुन चुन कर उसको किस तरीके से एक बढ़िया सा घरौदा बनाएं और उस प्रकृति की तरफ हम चलें और उस प्रकृति का फायदा उठाएं, जो कि स्वस्थ समाज को वो एक रास्ता दिखाए, क्योंकि स्वस्थ समाज के लिए सबसे पहले मनुष्य का स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात होती है, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे वातावरण का स्वास्थ्य भी होता है, कि इसमें अगर प्रदूषण मिला हुआ है तो वो स्वस्थ हम नहीं मानेंगे, ना हमारी हवा स्वस्थ है, ना हमारा जल स्वस्थ है, ना हमारी भूमि स्वस्थ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस स्वास्थ्य के लिए हमारी ये प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है। जी जी, करे विकास निरंतर, पर हम कुदरत से भी मुंह ना मोड़े, आप परंपरा में विज्ञान को जोड़ें, यही आज के समय की जरूरत है। और आइए सुनते हैं एक संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलों उपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1,00,000 करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन,
कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र एक दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपए प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। श्रोताओं, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में और डॉक्टर शिवाधार मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में। लगातार चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमने प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके फायदे हैं और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करना चाहते हैं जल संरक्षण की विधियों पर। जी हाँ, देखिए कहते हैं कि जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इसमें आगत या लागत हमारी बिल्कुल हमें जीरो लानी है, कम करनी है। उसमें पानी भी एक ऐसी चीज है कि अगर हम ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, अगर चलाएंगे तो बिजली भी खर्च होगी, डीजल भी खर्च होगा, ट्रैक्टर से चलाएंगे तो भी डीजल खर्च होगा, तो हमें कहीं ना कहीं से ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात यह है कि जल संरक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिक पहले ही बारानी खेतों के लिए, बारानी क्षेत्रों के लिए बहुत सारी तकनीकें विकसित कर चुके हैं कि किस तरीके से वर्षा जल को एकत्र किया जाए, उसको एकत्र करके कैसे पुनः प्रयोग किया जाए। ये तो बात रही हमारी जो बारानी खेती की, जल संरक्षण की जो पहले विधियां प्रचलित थी। हरित क्रांति वाले में क्या था कि हम फ्लड इरिगेशन करते थे, हमारी क्यारी बनाई, पानी छोड़ दिया और पानी छोड़ने के बाद पूरा जब देख लिया पूरा तर हो गई जमीन, उसके बाद बंद कर दिया, अगली बार फिर इसी तरीके से लगा दिया। तो ये चलते, इसमें बहुत ज्यादा पानी हमारा बर्बाद होता है। आपको ताज्जुब होगा कि हम धान जो पैदा करते हैं, चावल, 1 किलो चावल पैदा करने के लिए जो हम विदेशों को निर्यात करते हैं, उसे 5,000 से 6,000 लीटर प्रति किलो चावल के लिए हम पानी बर्बाद करते हैं, 1 किलोग्राम चावल। हाँ, के लिए। तो हम कितना अपने प्राकृतिक जो स्रोत हैं उन पर कितना दबाव बनाए हुए, बहुत अधिक दोहन हम उनका। अब आप प्राकृतिक खेती को देखिए, प्राकृतिक खेती में हम कहते हैं इसका सिद्धांत ही है वापसा, इसमें कहते हैं हम सीधा पानी देंगे ही नहीं पौधों को। पौधों को जैसे मेड़ पे लगा दिया हमने, कुंडों में पानी दौड़ा दिया सिर्फ, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भर दिया, जो पास में पहुंच जाए और वो वाष्पित होकर जो उस जगह का जो जो सूक्ष्म वातावरण है फसल के पास का, वो जड़ों को भी मिल जाए और उसका जो भाप बन के उड़े वो पत्तियों में भी शोषित हो जाए, ओस है, सुबह की ओस है, उसका भी प्रयोग हो जाए। बिल्कुल, तो हर तरीके से पौधों में इस तरीके से, जब नीचे से ही सैचुरेट रहेगा, भरा रहेगा, तो बाष्प बन के ज्यादा उड़ेगी, ऊपर की ओस भी जमा नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि जब सूखी जमीन होगी तो उसमें ओस भी शोषित हो जाएगी। तो हमारा ये बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया गया वाष्प। दूसरा इसके लिए जो और मुख्य तरीका है कि हम जब
फसल अवशेष, खरपतवार जब हम जमीन पे मल्च पलवार के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो भी पानी का बाष्पीकरण रोक देगा। तो पानी अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर जाने के लिए उसके लिए एक अवरोध की परत है। तो फसल को दो तरीके से फायदे हो रहे हैं। एक तो हम बहुत ज्यादा पानी ने सिर्फ कहते हैं कि 1/5 सिर्फ एक सिंचाई पर हम पानी की आवश्यकता होती है। जितने में हम एक सिंचाई करते हैं हरित क्रांति वाली विधि से, उतने में हम 5 सिंचाई कर सकते हैं अपनी प्राकृतिक खेती में। तो पानी की कितनी बचत है। फिर जो वाष्पित होकर पानी उड़ा, तो जो जो पानी नुकसान हो जा रहा है, चला जा रहा है, क्योंकि एक बार पानी जमीन से आपने निकाल लिया तो जमीन में उतनी तेजी से, तो आजकल आपने देखा है कि वातावरण परिवर्तित हो, एक साथ बारिश हो जा रही है, सारा पानी बह जा रहा है। और वो पानी बह जाने से क्या होता है कि हमारे भूजल में जाता नहीं है और भूजल हमारा, उसका दोहन हम कर ही रहे हैं, तो पूरा पूरा सब खाली होता जा रहा है। तो इस सबको देखते हुए, इन सबको देखते हुए ये जो बापसा विधि है, जो प्राकृतिक खेती वाली विधि है, तो ये बहुत ही उत्तम साबित हुई है। और ये पानी की बचत, जैसा मैंने बताया कि 20% पानी से ही काम चल सकता है किसी पर्टिकुलर फसल को उगाने के लिए। जी जी जी। तो जी, ये सबसे बड़ी इसकी खास बात है। तरीके उसके हैं, अलग अलग फसलों के लिए अलग विन्यास है कि किस तरीके से मेड़ पे लगाएं, कितना ऊंचाई पे लगाएं, कि बेड बना के उस पे लगाएं, कूड़ कितनी दूरी पे बनाएं, ये सभी अलग अलग फसलों का अलग अलग विशेष प्रकार की रिसर्च भी चल रही है और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने पहले से भी इसको निकाल के रखा हुआ है। जी जी जी। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। और पानी की बचत का जो जल संरक्षण की बात है वो यही है जिसको हम कह रहे हैं। वर्षा का पानी अगर आता भी जमीन में तो वो उसकी जो ऊपर मल्च की परत है उसकी वजह से वो पानी जो 1 में सूख जाना था वो 2 में सूखेगा और हमारी फसल 2 तक प्यासी नहीं रहेगी। हाँ। तो ये बहुत साधारण सी समझने वाली बात है। तो इस तरीके से हम अपनाकर, ये सारी विधियां अपनाकर इस प्राकृतिक खेती में जल का प्रबंधन करते हैं और जल का संरक्षण करते हैं। जी, यानी कि प्राकृतिक खेती जल संरक्षण के लिए भी उपयोगी है, हम सबके लिए उपयोगी है। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारे हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, सबकी पैसा है, तो हम सोचते हैं जहां हमें 1 चीज चाहिए वहां हम 1 ले आते हैं, चाहे वो फ्रिज में पड़कर खराब हो जाए चीजें। कितने ही घरों में ऐसा होता है। और फिर हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर 1 की जगह हम 1 ले रहे हैं तो वो भी अपने आप में हम नुकसान ही कर रहे हैं चीजों का। एक ऐसी सोच है कि प्राकृतिक खेती में अपेक्षा जो हमारी दूसरी खेती है उससे पैदावार कम होती है। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो जी, तो ये नहीं सोचेंगे अगर आपके पास 5 जमीन है तो 5 के 5 में प्राकृतिक से शुरू कर देंगे। आइए पहले 1 से शुरू करिए, अजमाइए, देखिए कितना कम होता है, कितना ज्यादा होता है, कितना हम मेंटेन कर सकते हैं, कितना उसको ले सकते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ाइए। और हो सकता है आगे चल के आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा टिकाऊ है, वसरते जो हमारी प्रदूषित वाली है, क्योंकि हम सिर्फ इसका हिसाब लगाते हैं कि हमारा 1 उपज कम हो गई, 1 मान लीजिए 2000 रुपए का काम मिला कोई अनाज। लेकिन हमें, चूंकि किसान भाइयों को एक चीज ऐसी होती है जो हम सबकी सामूहिक रूप से, अगर हवा में कितना वो पहुंच गई नाइट्रोजन और कितना वो पहुंच गया, और पानी में कितनी पहुंच गई, ये हमें पता नहीं होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं लगाते हैं, जबकि उसकी कीमत करोड़ों में है। मतलब उसकी तो हाँ वो उसकी तो हम नगण्य है, हम उसकी गणना नहीं कर सकते। परोपकार है पूरे दुनिया के लिए, वो अपने लिए भी है, अपने लिए भी है। हम दुनिया में क्या, ज्यादातर हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसा भी हमने देखा सुनने कि हमें क्या आगे होगा, तो हमें क्या है, हम तो अपना उगा ले रहे हैं इतना। हाँ, लेकिन हाँ, आप हाँ, ये हाँ, देखिए कि बाकी लोगों को नुकसान होगा, तो चल के कहीं ना कहीं से आपके खाद्य श्रृंखला में आपके पास कुछ न कुछ पहुंचेगा जरूर। हाँ, और वो जहर आपको भी खाना पड़ेगा। जी, अगर लागत कम होती है, कम से कम होती ही नहीं है, तो वो भी अपने आप में एक आय है। जी हाँ, अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो वो भी अपने आप में आय है। तो बिल्कुल नीलम, आज प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियों के विषय में जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे युवाओं तक बात पहुंच रही है, कहीं ना कहीं मन में जरूर घर करेगी, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने इतनी सूक्ष्म रूप से सभी को समझाया, हमें भी बहुत अच्छी तरह समझ आया कि हम किस दिशा में अग्रसर हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या अपना इकट्ठा कर रहे हैं। जी। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी
तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, परम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी आज प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण के ऊपर। अगर हम चाहते हैं हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीव जंतुओं का, मिट्टी का, प्राणी मात्र का, और हमें सतत विकास होता रहे, सतत उत्पादन मिलता रहे, तो हमें जरूर मुड़ना होगा प्राकृतिक खेती की ओर। डॉक्टर साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को, युवाओं को, हमारे किसान जो भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्राकृतिक खेती के जो लाभदायक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और जो इसके लाभ हैं हमारी पूरी मानवता के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि आइए इसको आजमाइए, जरूर एक बार करके देखिए और छोटे स्तर से शुरू करिए और आगे बढ़ के आइए। अगर आपको खुद महसूस होगा कि हमने अपना भी भला किया है, वातावरण का भी भला किया है, हमारे समाज का भी भला किया है, और हमने सबको शुद्ध और जहर मुक्त खाना सबको दिया है, आपको जो संतोष होगा वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं प्राकृतिक खेती करना तो आपके आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जाकर आप परामर्श ले सकते हैं, जो भी आपके मन में दुविधा है उसे दूर कर सकते हैं। सही, डॉक्टर साहब ने सही कहा है, आप आजमाइए तो सही, आप आइए तो सही जी। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, सभी मित्रों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।